सुनो 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 वृंदावन वासियों, युद्ध के लिए तैयार रहो। महाबली रथवीर हमारे राज्य पर किसी भी समय आक्रमण कर सकता है। महाबली रथवीर, अपने राज्य की रक्षा तो करनी ही होगी, हमें युद्ध की तैयारी करनी होगा। आप चिंता ना करें पिताजी, हम कोई ना कोई हल अवश्य निकाल लेंगे। चलो उधो, हाथ कुश्ती की प्रतियोगिता हो जाए। मेरे तीन गिनने पर शुरू हो जाना। एक दो तीन। ये क्या उधो, थोड़ी तो कोशिश करते। बलदाऊ के आगे तो मैं किस खेत की मूली हूँ। माधो, अब तेरी बारी है। मैं तो उधो से भी कमजोर हूँ, किंतु कृष्णा को बलदाऊ के साथ हाथ कुश्ती करनी चाहिए, तब असली प्रतियोगिता होगी। पूरे वृंदावन में बलदाऊ से ज्यादा बलवान कोई नहीं है। हाँ, बलदाव अवश्य बहुत बलवान है, किंतु कृष्ण से बलवान और कोई हो ही नहीं सकता। तो फिर देर किस बात की, कृष्णा और बलदाव के बीच में हाथ कुश्ती हो जाए। अभी पता चलेगा कौन किससे अधिक बलवान है। एक दो। सुनो सुनो सुनो। अरे, ये तो कोई विशेष संदेश लगता है। वृंदावन वासियों, युद्ध के लिए तैयार रहो। महाबली रथवीर हमारे राज्य पर किसी भी समय आक्रमण कर सकता है। महाबली रथवीर, अपने राज्य की रक्षा तो करनी ही होगी, हमें युद्ध की तैयारी करनी होगी। आप चिंता ना करें पिताजी, हम कोई ना कोई हल अवश्य निकाल लेंगे। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। हम भी तुम्हारे साथ हैं। रथवीर की सेना वृंदावन के किनारे आ चुकी है, हमें इसी क्षण उनका सामना करना होगा। शीघ्र चलो, उत्तर से रथवीर की सेना आ रही है। उत्तर से, अर्थात वहाँ से। पहला कार्य समाप्त, वृंदावन के सभी वासी सुरक्षित हैं। अब हम रथवीर और उसकी सेना का सामना करेंगे। क्या वृंदावन के सेना के समस्त वीर भाग गए कि उसने दो बालकों को मेरे साथ युद्ध करने भेज दिया है? तुम हमारी नहीं, स्वयं की चिंता करो रथवीर। आक्रमण! Ah!
तुम्हारा रथ तो तुमने स्वयं तोड़ दिया, अब क्या करोगे? नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं! क्रोध के आवेश में तुमने मेरे दिए वरदान का अपमान किया है, इसलिए आज के उपरांत तुम चाहे जितनी तपस्या करो, हम तुमसे सदैव के लिए निराश रहेंगे। नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। कान्हा, बलदाओ, अब चलो भी, रास्ता बहुत लंबा है। ये लो, ये भोजन साथ रख लो। मुझे कुछ चिंता सी हो रही है। ताल सरोवर वृंदावन से बहुत दूर है। दूर कहाँ मैया, कल सांझ तक तो हम लौट भी आएंगे। सुना है ताल सरोवर ऐसा एकमात्र सरोवर है जहाँ एक ओर से ठंडा शीतल जल बहता है और दूसरी ओर धरती से गर्म पानी का चश्मा निकलता है। हाँ, और पानी भी इतना गर्म कि लोग उसमें भात तक पका लेते हैं। पर कहीं सुनी नहीं, मैं तो खुद परख कर देखूंगा कि ऐसा होगा कि नहीं। देखो वहाँ कितने पेड़ लगे हैं। थकान और धूल को तो धो डाले। चलो चलो।